हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम हैं अपनी किचन में और आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ अपनी किचन का मेकओवर मेरी हालत खराब हो गई सच्ची में आज पूरा दिन मेरी हालत देख सकते हो आप सुबह शुरू किया था और शाम हो गया मतलब पहले भी हमने मेकओवर किया है पहले भी सेटअप किया है लेकिन इतना टाइम मेरे को नहीं लगा छोटा सा ही किचन है लेकिन पता नहीं क्यों बहुत टाइम लग गया आज क्लीनिंग मतलब डीप क्लीनिंग वो ये करने में काफी टाइम लग गया तो बहुत टाइम हो चुका था कोई मेकओवर कोई चेंज नहीं किया था किचन में कम से कम पांच छह महीने हो गए तो हमने सोचा चलो कुछ चेंज करते हैं नया लुक देते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम बोल भी रहे थे आपको कि मेकओवर आने वाला है वीडियो तो फिर पूछ भी रहे थे काफी सारे लोग कि कब आप अपना किचन दिखाओगे तो फिर फाइनली हमने कर दिया है जो भी मेरे से हुआ और किचन में जो भी चीजें हमने की है बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है मतलब चीजें बाहर की कमी ली हमने कुछ भी ऐसा खरीदा नहीं है और मेरा डीआईवाई है कुछ कुछ ऐसी चीजें ही लगा करके हमने सेटअप किया है काफी सिंपल रखा है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीडियो में दिखाने के लिए हमने कुछ सेटअप कर दिया है बाद में हटा देंगे नहीं क्योंकि मेरे को रोज यूज करनी है अकॉर्डिंगली हमने सब कुछ रखा है आई होप आपको पसंद आएगा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए वीडियो क्योंकि अगर छोटा किचन है आपके पास मेरे जैसा तो फिर कुछ चीजें जैसे डीआईवाई हमने किया है या फिर कुछ ऐसा सेटअप काउंटर टॉप का सेटअप जो भी है आपको पसंद आता है तो आप भी कर सकते हो आई होप आपको पसंद आए और सची में मेरी हालत खराब हो गई आज मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लग गया मेरे को तो पसंद आएगा वीडियो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा तो चलिए देखते है मेरा किचन तो सबसे पहले हम किचन को खाली करेंगे तो ये कार्डबोर्ड का जो हमने रैक बनाया था सेम ऐसे ही हमने वुडन बना बनवा लिया है इस बार क्योंकि बहुत ही यूज़फुल रहा ये वाला जो रैक बनाया था हमने कम से कम आठ महीने हमने इसको यूज़ किए अब फाइनली हमने एक लकड़ी का बनवा लिया है और अभी सबसे पहला ये तो ये सुबह का ही टाइम है और सुबह ही उठते ही मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले ही हम शुरू हो गए थे क्योंकि मेरे को सोचा हमने कि जल्दी दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा लेकिन शाम हो चुका ये सब काम करते करते तो ये सब जुगाड़ वाला काम है जो ऐसे लकड़ी लगा के यहाँ वहाँ करके हमने किया हुआ था और मेन काम तो वॉलपेपर निकालने का होता है क्योंकि वॉलपेपर भी चेंज करना है वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था बट स्टिल मेरे को लगा कि चेंज कर देते हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे शेल्फ़ पे एक जगह पानी लीक होता है जो थोड़ा सा चला जाता है इसके पेपर्स के नीचे तो बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हम इसको निकालने में क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रहा था बहुत अच्छा ऑप्शन है या तो आप ड्रायर मार के इसको ड्रायर से इसको निकाल सकते हैं या फिर आप गर्म पानी डालेंगे तो ये थोड़ा आराम से निकल जाता है मतलब जो स्टिकीनेस होती है वो भी क्लीन हो जाती है तो हमने गर्म पानी ही डाल के ही किया और निकालने के बाद भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा साफ़ करना पड़ा और उसके बाद हमने वॉल की क्लीनिंग की सब कुछ किया मतलब अच्छे से स्क्रबिंग कर दी क्योंकि सारा सामान हटाया था तो सोचा एक बार अच्छे से साफ़ कर देते हैं और ऊपर एक शेल्फ़ तो हमने पहले ही लगा दिया था क्योंकि वो नील के साथ ही लगाना था तो वो यही डी है चलिए अब डी देख लेते हैं थोड़ा सा तो एक प्लाई पड़ा था तो हमने इसको आ, मतलब जैसो से पहले एक कोट किया था और उसके बाद हमने इसमें कलर ब्लू मिक्स करके वाइट में लगाया था लेकिन बहुत ज़्यादा ताम झाम हो गया था इस वाले डी में क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया सोच के कुछ और किया था यहाँ आप साइड में देखोगे तो हमने इसको एक बार बना दिया था ऑलरेडी और उसके बाद ने फिर से इसको सब कुछ क्लीन करके फिर से बनाया है क्योंकि कुछ कलर कॉम्बिनेशन का गड़बड़ हो गया था और मतलब ऐसे ही एक कोट लिखा टी कोट जिससे मेरे को ये कप होल्डर बनाना था इस प्लाई से और प्लाई इतना बड़ा था हमने सोचा काफ़ी सारे कप्स आ जाएंगे इसलिए हमने इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ यूज़ किया अभी उल्टा दिख रहा है आपको आगे जाके दिख जाएगा सीधा कि कैसा क्या लिखा है नेक्स्ट डी है एक कर्टन बनाना है मेरे को किचन के लिए और उसके लिए हमने ये स्टोल लिया है पुराना स्टोल है ब्लैक एंड वाइट है तो इसको ही हमने टू पीस किया ज़्यादा कुछ भी नहीं किया दो पीस काटा है और उसके बाद में साइड की इसकी स्टिचिंग कर ली जिससे हम इसके अंदर जो वायर है वो डाल सके तो इसका सबसे पहले तो हमने इसका साइड काट लिया जो कि नीचे का पार्ट है वो हमने हटा दिया और उसके बाद इसको स्टिच कर लिया पहले सोचा कोई कपड़ा खरीद लेते हैं और उससे करते हैं लेकिन फिर देखा कि ये स्टोल ऐसे ही पड़ा हुआ है चलो इसको ही ट्राई करते हैं इसके साथ इसी से बना लेते हैं तो इसको हमने बनाया वैसे हम इसको चेंज कर देंगे बहुत जल्दी क्योंकि मेरा प्लान कुछ और है मेरे को कोई और कलर यूज़ करना था लेकिन अभी मेरे पास कपड़ा नहीं है ला के फिर यूज़ करेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट डे आई वाई ये एक कंटेनर पड़ा है मेरे को पता नहीं क्या बनने वाला है इसका बस ऐसे ही मैं एक कंटेनर लिड के साथ बनाना है तो हमने ब्लैक स्प्रे पेंट किया है इसको और एक छोटा सा ये पॉट था जो कि स्नैक्स आया था कुछ तो इसको भी हमने जैसो से पेंट किया और थोड़ा सा पिंक कलर ऐड किया जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा और जो फर्स्ट कंटेनर था जिस पर ब्लैक स्प्रे किया था ना उसको हमने उसके लिड को कुछ बना कुछ और रहे थे बन कुछ और गया मोल्डेड क्ले यूज़ किया था और कुछ ऐसे रैंडम जो डिज़ाइन मे को कुछ खास नहीं बस ऐसे ही बना दिया आप देखते हैं आगे दिखाते हैं आपको ये छोटे छोटे जार्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से स्पाइसेस के लिए तो इसकी लिड्स को हम वाइट करने वाले हैं वाइट कलर का स्प्रे पेंट करेंगे सोचा है क्योंकि अभी इस बार मेरे को कंटेनर्स चेंज करने थे लेकिन फिर सोचा नहीं इस बार नहीं अगली बार करते हैं क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया हमेशा से ये ऐसे ही है तो सोचा इस बार इसका लिड वाइट करते हैं क्योंकि मेरे लिए मेरे किचन के लिए परफेक्ट सेट है ये ये एक्चुअली रिवॉल्विंग जो मसाला स्पाइसेस सेट होता है उसमें आया था लेकिन इसको हमने अलग से यूज़ किया और ये वाला मेरा डीआईवाई जो है ये हम कारपेंटर के पास लेके गए क्योंकि मेरे को उसके ऊपर एक इस तरह का ये वाला प्लाई लगाना था तो ये हमने लगवा लिया और घर में ही हमने इसको ड्रिल मशीन से छोटे छोटे होल्स करके यहाँ पे हुक्स लगाए कप कप्स को हैंग करने के लिए तो ये भी काफ़ी अच्छे से हो गया Uh, और उसके बाद हमने इसको वॉल में लगाना था तो ये काम मेरे हस्बैंड से करवाया हमने क्योंकि ये मुश्किल वाला काम है और नेक्स्ट थोड़ा सा इस वाले रैक में ना कलर मिसिंग था ब्लू कलर एंड वाइट कलर सामने हमने एक बॉर्डर में करना था तो हमने ब्लू एंड वाइट मिक्स किया और लाइट ब्लू कलर का कलर uh, आ गया उसके बाद में हमने उसको यूज़ किया तो बस ऐसे ही जो जो जैसा जैसा समझ में आया थोड़ा बहुत हमने कर लिया फ़ाइनल लुक तो बहुत अच्छा था सच्ची में अभी आपको आगे देखने को मिलेगा तो ये कुछ इस तरह से हमने इसका बॉर्डर पेंट कर लिया बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप घर पे आराम से कर सकते हो अब वॉलपेपर लगाते हैं तो ये वुडन वॉलपेपर इस बार हमने चूज़ किया है सिल्वर कलर लगा लिया वाइट लगा लिया हमने सोचा ये वुडन वाला इस बार ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी नेचुरल लुक आता है इससे और मेरा फ्लोर भी कुछ इस तरह का ही है कलर और ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा था लेकिन ये है कि ब्लैक अगर आपका मार्बल या टाइल है तो उसके ऊपर यूज़ करने पे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है बस ये फील हुआ मेरे को आप देख सकते हो दिख रहा है और ये एक मेरा पुराना चॉपिंग बोर्ड था इस पर भी हमने बीच में एक प्लाई लगवा लिया था कारपेंटर से ही आ, लेकिन ये कलर मैच नहीं कर रहा था तो हमने उसी आ, जो वॉलपेपर था उसका ही एक पोशन लेके इसमें लगाया ये जो आ, जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है बहुत पुराना है और बहुत टाइम हमने यूज़ भी कर लिया अब ये कोई काम नहीं आ रहा था तो सोचा चलो इसको कुछ डी करते हैं इसको थोड़ा सा मतलब वेस्ट हो भी गया है चीज़ तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम तो इसके ऊपर जो प्लाई लगवाया है इस पर हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं डेकोरेट कर सकते हैं तो आगे हम आपको दिखाते हैं ये फ़िलहाल हमने इसके ऊपर इस तरह से पेपर लगवा लगा लिया तो ये मैच करने लगा मतलब चॉपिंग बोर्ड के साथ मैच करने लगा कुछ ऐसा इस बार हमने दिमाग लगाया आप देखते हैं कैसा लगता है आगे देखिएगा आप और बताइएगा मेरे को कि आपको ये आइडिया कैसा लगा तो ये वाला लकड़ी का हमने बनवाया था अभी शेल्फ़ इस बार जो कि बहुत कम स्पेस था यहाँ पे एक्चुअली हमने मीशो से ख़रीदा था इस तरह का लेकिन वो फिट नहीं आया इस जगह में इस वजह से मेरे को बनवाना पड़ा आ, वो वाला जो रैक था जो हमने मीशो से मंगाया था वो हमने आपको दिखाया भी था कि मैं किचन मेकओवर में, में, में यूज़ करना है बट उसके लिए जगह ही नहीं हो पाया तो ये मेरा कर्टन है जो कि अभी हमने स्टिच किया था ये देख सकते हो आप आ, कलर इसका ब्लैक एंड वाइट था जो कि मेरे को थोड़ा सा आ, मतलब डल लगा क्योंकि आ, थोड़ा ब्राइट अच्छा लग रहा था पहले हमने ब्लू यूज़ किया हुआ था तो फिर हमने क्या किया ब्लू ही लगा दिया मतलब आप आगे देखोगे कि हमने ब्लू लगा दिया इसको निकाल के क्योंकि मेरे को ये थोड़ा डल लग रहा था और यहाँ पे हमने सारे बॉटल्स लगाए अब हम टी शुगर एंड कॉफ़ी का कंटेनर बना रहे हैं जो कि नॉर्मल कंटेनर्स हैं लेकिन इसके ऊपर स्टिकर्स लगा के हम बनाएंगे वैसे हम हमेशा ही ऐसे वाले कंटेनर्स ही यूज़ करते हैं स्पेसिफ़िक टी शुगर वाले कंटेनर्स हमने एक बार मंगवाया था लेकिन उसके बाद हम यही यूज़ करते हैं तो ये देख सकते हो आप सब कुछ शिफ्ट कर रहे हैं हम जो बॉटल्स हैं वो भी हमने पिछले मेकओवर में ही लगाया था इस बार हमने फिर से चेंज कर दिया और ये सारे कंटेनर चार्स ये मेरे पास ऑलरेडी हैं ये ख़रीदे अभी नहीं है पहले के ख़रीदे हुए हैं तो फिर हमने इस इन बॉटल्स में कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और ये जो स्टिकर्स है ये हमने अमेज़ोन से मंगाया था काफ़ी अच्छा है एट्टी पीसेस आए थे या 88 एट पीसेस थे टू फिफ्टी या टू एट्टी का ऐसे था तो फिर ये मंगाया हमने क्योंकि मेरे सारे बॉटल्स इस तरह के ही हैं ट्रांसपेरेंट है जो दाल रखी है बाकी चीज़ें वो भी इस तरह के ही हैं तो उनमें भी मेरे को लगाना था इसलिए हमने मंगा लिया एक ही बार काफ़ी सारा जो कि अभी हम आगे यूज़ करेंगे और ये है इसके साथ ना ये पेंसिल भी आता है जो स्टिकर आया उसके साथ ये वाइट कलर का पेंसिल भी आता है जिससे आप आराम से लिख सकते हो तो देखिए ये रैक हमने इसलिए लगवाया था कि यहाँ पे हम अपने जो भी टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रखें तो टी शुगर एंड कॉफ़ी का कंटेनर और स्नैक्स हमने ऊपर रख दिया और नीचे हमने कप्स हैंग किए कप्स हमने मंगाए थे अमेजोन से जो कि मेरे को यूज़ करना था बट वो मतलब कुछ मेरे को यहाँ पे हैंग किया हुआ है, अच्छा नहीं लगा तो ये मेरा पुराना सेट है, जो कि हमने यहाँ पे लगा दिया और चॉपिंग बोर्ड का जो डी किया था वो हम यहाँ लगाने वाले हैं और सच्ची बता रहे हैं मेरे को बहुत पसंद आया आप बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ और ये है मेरा डी आई पॉट जो कि अभी हमने बनाया था और इसके बाद ये है घी पॉट जो कि यहाँ पे हमने रख दिया काफ़ी सुंदर लग रहा था और ये है वो ऑयल डिस्पेंसर जो हमने अमेज़ोन से मंगाया था ये थाउजेंड एम इसकी साइज़ है हो सकता है थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न लगे स्टील का है इसलिए बट मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्टील है और दूसरा लीक प्रूफ है काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ी बात पूरे वन लीटर इस, इसमें तेल आराम से आ जाता है तो ये बहुत हैंडी हो जाएगा कोई डर नहीं रहेगा अगर ग्लास का होता है तो टूटने का भी डर रहता है और यहाँ पे हमने अपने नाइफ का सेट और जो स्प्रे बॉटल है वो चीज़ें रख दी और उसके अलावा एक स्टैंड हमने तीन स्टैंड रखा हुआ था पहले यहाँ पर लेकिन काउंटर पर थोड़ा जगह कम लग रहा था इसलिए हमने वो भी हटा दिया ये दूसरा वाला स्टैंड रखा इस पर भी कुछ स्नैक्स रख दिया और कुछ ऐसी चीज़ें रखी जो बहुत रेगुलर यूज़ होती हैं मतलब मेरे को हैंडी चाहिए चाहिए शेल्फ़ पे ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसे मसाले रखे हैं काला नमक रखा है ये चीज़ें बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया सॉल्ट और गुड़ रख दिया कॉर्नर में और यहाँ पे ये मेरा डी ट्रे है जिसमें हम कटलरी होल्डर रखने वाले हैं कटलरी होल्डर नहीं है ये स्पैचुलास के लिए होल्डर है और ये हमने मीशो से मंगाया था आपके साथ शेयर भी किया था इसके पास ही हम ये वाला स्पून होल्डर रख रहे हैं जो कि ये भी हमने मीशो से लिया था काफ़ी पहले का है ये आ, बहुत यूज़ करते हैं हम इसको तो इसको यहाँ पे लगा रहे हैं और ये मेरा डी है बहुत ही प्यारा डी है जो कि यहाँ पे लगाएंगे हम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है किचन से ही रिलेटेड है बहुत सुंदर लगता है देखने में और इसको मैं यहाँ पे लगाया है और उसके बाद कर्टन चेंज कर दिया हमने और फिर से हमने लगा दिया ब्लू कलर का कर्टन क्योंकि ये मेरे जो टी वाला जो पार्ट बनाया है ना हमने टी की चाय की जो चीज़ें रखी है रैक लगाया ना उससे मैच भी कर रहा था तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए इसी को लगा दिया आगे जाके हम फिर कोई और एक और स्टिच करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे तो इसका कर्टन तो टाई बैंगल से बना दिया हमने कुछ इस तरह से और ये दो इस तरह के जार हमने बहुत पहले मंगाए थे ये है आइकिया के हैं अमेज़न से लिया था इसमें हमने एक में हैंड वॉश डाला और एक में डिश वॉश वॉशिंग लिक्विड डाली है और इनको हम लगाएंगे आ, क्योंकि यूज़ नहीं किया बहुत टाइम हो गया सोचा चलो लगा ही देते लेके रखा हुआ है तो इसको भी हमने रख दिया चलिए अब हम आपको अपने जो फाइनल लुक है दिखा देते हैं अपनी किचन का देखिए इन्जॉय करिए आई होप आपको पसंद आएगा आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा किचन और आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आगे और भी किचन मेक ओवर या फिर किचन के प्रोडक्ट्स देखने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हम शेयर करते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो